हम जहां सोचते हैं कि आरजीकर मेडिकल रेप केस में अब ऐसा क्या नया देखने को मिल सकता है, उसी में एक पीस ऑफ एविडेंस ऐसा सामने आ जाता है जो हमें बुरी तरह से शॉक कर देता है। जैसा कि अभी बीते दिन लीक हुए 3 कॉल रिकॉर्डिंग्स ने कर दिया था। इन रिकॉर्डिंग्स में ये सुना जा रहा है कि एक कलकत्ता पुलिस ऑफिशियल ने विक्टिम के पेरेंट्स को 9 अगस्त की सुबह में कॉल किया और सबसे पहले कहा कि उनकी बेटी बीमार है, जिसके बाद क्रिटिकल बताया और एंड में कहा कि शायद सुसाइड से डेथ हो गई है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के लीक होने के बाद से देश में एक अलग सनसनी मच गई है और स्पेशली कलकत्ता पुलिस पर शक की निगाहें टिक गई है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की ओर से कहलवाया है कि उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि ये सुसाइड का केस है। अब जहां आए दिन लोगों का डाउट कलकत्ता पुलिस पर ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है, उसी के बीच एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी दिखी है, जिन्होंने वापस से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और क्या कहा है आगे देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि पुलिस और डॉक्टर संदीप घोष पर क्या नए इल्जाम लगे हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जब सारी उंगलियां वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर पॉइंटेड आउट थी कि उन्होंने भला अपने स्टेट में विमेन को क्या सिक्योरिटी दी है, तो मामले को और संगीन करते हुए उन्होंने 22 अगस्त को उल्टा पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हुए स्ट्रिक्ट लॉस की मांग की थी। अब इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कोई जवाब तो नहीं आया था, पर लॉस के मामले में वेस्ट बंगाल सीएम बनर्जी ने कहा कि वे नेक्स्ट ईयर ऐसे लॉस पास करेंगी जो कि रेप केसेस में फांसी की सजा सुनाएगा। पीएम मोदी के अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने एक लेटर लिखते हुए वेस्ट बंगाल सीएम को फटकार लगाई थी, ये कहते हुए कि सब कुछ यूनियन पर छोड़ना गलत है जब स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब इतनी फटकार सुनकर ममता बनर्जी कहां शांत रहने वाली थी, जिन्होंने एक दूसरा लेटर लिखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री के इस लेटर को फटकारा है। जी हां, आपने सही सुना, अपने न्यू लेटर में उल्टा डांटते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा है कि इस लेटर में उनके किसी भी इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। अनस्टेटेड, आई एम ऑफ द थॉट दैट द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेवेंस टू द सोसाइटी हैव नॉट बीन एडिक्वेटली अप्रिशिएटेड व्हाइल सेंडिंग आउट दिस जेनेरिक रिप्लाई। और जिसके बाद उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री के हर एक इल्जाम का पलट जवाब दिया है, जहां लेटर में यूनियन मिनिस्ट्री देवी ने कहा है कि कलकत्ता को कई स्पेशल कोर्ट्स मिले हैं जो कि रेप और पॉक्सो से डील करेंगे, बट उसमें से कई फंक्शनल है ही नहीं। तो यहां क्लैरिफिकेशन देते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ने अपने लेटर में कहा है कि रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स 10 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। In addition to this, 88 FTSCs and 62 POXO designated courts are functioning throughout the state on complete state funding. एक पॉइंट वुमेन हेल्पलाइन का भी उठा था, जिसकी वजह से यूनियन मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी और उसका भी जवाब लेकर पेश होते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा है कि Moreover, helpline numbers 112 and 1098 are satisfactorily working in the state. In addition, dial 100 is also extensively used in emergency situations. और जिसके साथ उन्होंने अंत में लेटर में स्टेट किया है कि उम्मीद है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी इस बार कोई एक्शन जरूर लेंगे। अब जहां वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब दिए जा रही है, वहीं कलकत्ता पुलिस ने भी ऐसे ही डट के सारे एलिगेशंस का सामना किया है। एक और एलिगेशन जो कलकत्ता पुलिस पे लगा था वो ये था कि उन्होंने क्राइम सीन पर एविडेंस टैम्परिंग की है और विक्टिम के फैमिली मेंबर्स के साथ साथ और लोगों ने भी ये बात उठाई थी जो कि बेडशीट के कलर से जुड़ा हुआ है। असल में कुछ मीडिया चैनल्स ने कवर किया था और शो किया था कि विक्टिम की बॉडी जिस बेडशीट से कवर थी उसका कलर चेंज हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, द रिपोर्ट्स क्लेम्ड जूनियर डॉक्टर्स एंड द विक्टिम्स पेरेंट्स गिव कंफ्लिक्टिंग अकाउंट्स ऑफ द शीट्स कलर। द जूनियर डॉक्टर स्टेटेड दैट द बॉडी वाज कवर्ड विद अ ब्लू शीट बट द पेरेंट्स क्लेम्ड दे सॉ अ ग्रीन शीट व्हेन दे व्यूड देयर डॉटर्स बॉडी आवर्स लेटर। हालांकि कलकत्ता पुलिस डीसीपी इंदिरा मुखर्जी ने कहा है कि इस मामले में पुलिस ने सारे एविडेंसेस की अच्छे से जांच की है और ना ही कोई छेड़छाड़ की है। लेट मी क्लैरिफाई दैट द सेमिनार हॉल इज बेसिकली अ रूम व्हिच इज 51 फीट बाय 32 फीट एंड इनसाइड दिस पर्टिकुलर रूम व्हेन द बॉडी वाज फाउंड द हॉस्पिटल कर्टन्स वेर यूज्ड टू इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ द एरिया एंड फॉर 40 फीट फ्रॉम द डेड बॉडी No one could enter apart from the scheduled number of people who were supposed to enter in that area. And the video that you may have seen, it pertains to an area which is outside the cordon, approximately 11 feet. And in that particular portion, there were some people who were present there, which includes the family members, some doctors who were of RG Corps, who were sitting there and writing down their demands, which kept on changing from time to time. Apart from this, there were some other people who had come to assist them, but none of them, apart from the family members, were allowed to enter inside the cordon of area. And inside this area, which was cordoned off, only few people could enter who were designated,
which includes the investigating officer, the forensic officials, some police officials, and the photography videography team, and the people who were assigned with the duty of shifting the dead body later on. Apart from them, nobody else could enter this particular cordoned off area. अब जहां ये मामला शांत होता, वही अपने ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स की वजह से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एक कम्प्लेन भी फाइल हुई है। आपको ध्यान ही होगा कि कैसे वेस्ट बंगाल सीएम ने एक सनसनी मचाते हुए कह दिया था कि अगर बीजेपी बंगाल को भी जलाना चाहती है तो उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स भी जलेंगे। और उनके इसी बयान के चलते अब विनीत जिंदल, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ने बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ एक कम्प्लेन फाइल करते हुए कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को लिखा है। अपने इस लेटर में एडवोकेट जिंदल ने बताया है कि इन अ पब्लिक मीटिंग विद टीएमसी स्टूडेंट विंग मेंबर्स, ममता बनर्जी स्टेटेड, रिमेम्बर, इफ बंगाल बर्न्स देन असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड दिल्ली विल ऑल्सो बर्न। इट इज क्लियर दैट दिस स्टेटमेंट इज इंस्टिगेटिंग, प्रोवोकेटिव एंड एंटी नेशनल इन नेचर। हर वर्ड्स आर इंटेंडेड टू create hatred and enmity between different groups or the basis of region which is prejudicial to the maintenance of harmony. उन्होंने आगे ये भी स्टेट किया है कि एक सीएम होने के नाते वो पब्लिक के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड रखती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के उपरांत भी उनके स्टेटमेंट्स आर एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अनरेस्ट एंड थ्रेटन द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री बाय इंसाइटिंग वायलेंस एंड हेट्रेड अमंग सिटीजंस। एडवोकेट जिंदल ने पुलिस कमिश्नर से कहा भी है कि सीएम के कहे गए स्टेटमेंट्स उनकी पोस्ट की वजह से और एम्पलीफाई हो जाते हैं, जहां वो वेस्ट बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ इन्फोर्समेंट को कंट्रोल करती है। उन्होंने बताया कि उनके वर्ड्स क्लियरली उनकी पावर को मिसयूज करने की विलिंगनेस दिखाते हैं टू क्रिएट अनस्टॉपेबल अनरेस्ट इन द स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसके बाद ही उन्होंने वेस्ट बंगाल सीएम के खिलाफ एफआईआर फाइल करने की मांग की है। ममता बनर्जी के अलावा इस केस में संदीप घोष के खिलाफ भी कई इल्जाम लगे हैं कॉलेज के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट अख्तर अली द्वारा, जिसमें उन्होंने अब तक का सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट ये दिया है कि डॉक्टर संदीप घोष बायोमेडिकल वेस्ट बांग्लादेश में तस्करी करवाते थे और हर टेंडर पर 20% कमीशन लेते थे। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि डॉक्टर संदीप घोष एक तानाशाह की तरह कॉलेज चलाते थे और ट्रांसफर करवाना उनके बाएं हाथ का खेल था। इस बात में कितनी सच्चाई है तुरंत पता चल जाएगा, पर लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि असल में इस केस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स अभी तक मिला ही नहीं है, जैसे कि क्या एक ही इंसान इस केस के पीछे शामिल है या कई और लोग, और क्यों विक्टिम के फैमिली को सुसाइड बताया गया था। अगर सीबीआई भी इन मामलों का जवाब जल्दी नहीं देगी तो एक सवाल उन पर भी उठता दिख सकता है। तो वेट करते हैं कि इस मामले में उनकी रिपोर्ट कब तक आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।